भाई ये बंदा लिफ्ट खोल रहा है, लेकिन लिफ्ट तो है नहीं। शिट भाई, क्या ये गिर जाएगा? ओ नो भाई, हे बडीज, खुशामदीद स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। तो आज हम एक ऐसे बंदे को बचाने वाले हैं जो डीमंस के सारे राज जानता है, बट डीमंस उसके पास कैसे पहुंचे और क्या वो हमारे बारे में भी जानता है या फिर कुछ इससे भी बुरा होने वाला है, ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की मजेदार एपिसोड्स ढूंढ ढूंढ कर लाता रहूंगा। और राइट बडीज, तो सीन कुछ ऐसा है कि उस बंदे पर अभी चल रहा है हमला और मुझे बस इतना पता है वो बंदा सीईओ रह चुका है ऑस्कॉर्प कंपनी का, और शायद मुझे लगता है उसे डेविल ब्रेथ के बारे में सब कुछ मालूम है, तभी डीमंस उसके पीछे पड़े हुए हैं। और क्या आज के एपिसोड में डेविल ब्रेथ खुल जाएगा? मेरा मतलब वो बायोकेमिकल वेपन क्या ओपन हो जाएगा और इस शहर पर एक पेंडेमिक की तरह फैल जाएगा? कुछ भी हो सकता है बडीज, मुझे आज के पार्ट में बहुत मेहनत करनी होगी उस बंदे को बचाने में, क्योंकि उसके पास हैं सारे के सारे वो राज जो डीमंस के साथ कनेक्टेड हैं और डेविल्स ब्रेथ के साथ भी। तो आज मुझे कुछ भी करके उस आदमी को बचाना होगा, क्योंकि अगर वो आदमी हमारे हाथ नहीं लगा और डीमंस के हाथ लग गया तो बायोकेमिकल वेपन यानी डेविल ब्रेथ के खुलने के बहुत चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है और हम इस वक्त ऑस्कॉर्प की सेकंड मेन बिल्डिंग के सामने हैं। यहाँ पे पुलिस की और डीमंस की आपस में काफी लड़ाई चल रही है, तो मैंने जो है आज काफी बढ़िया ब्लैक सूट पहना है, क्योंकि मुझे पता था कि आज स्टेल्थ हमारे बहुत ही काम आने वाली है। तो जल्दी से इन पर हमला करते हैं। ओ भाई, मैंने तो मुझे आते दे दिया और मैंने भी अपनी अल्टीमेट पावर फौरन यूज कर ली ताकि मुझे जल्दी जल्दी उस बंदे के पास पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर भाई सभी लोग बहुत ही बढ़िया मार रहे थे मुझे, बट अभी तक किसी ने भी एक हाथ नहीं लगाया मुझे। और पहले इस पे मैं ये वाला गिरा दूँ। ओ ये क्या बात है भाई, मैंने इस पे इतनी सारी कंक्रीट वगैरह गिरा दी। और जल्दी से अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं अंदर आ चुका हूँ और बडीज मुझे लगता है कि वो यहाँ पार्किंग से घुसे हैं, यानी कि डीमंस पार्किंग से घुसे हैं और वो ऊपर गए हैं। ओ भाई, यहाँ पे कुछ टूटा वूटा पड़ा है और ये क्या है भाई, ये कौन पड़ा हुआ है यहाँ पे सामने? ओके, ये कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा है, इससे बात करते हैं। You're hurt. I'm okay. But you gotta find Mr. Standish fast. Those guys in the masks kidnapped him and forced him up to his place. He lives in the penthouse, top floor. Okay, तो भाई ये बंदा बता रहा है कि तुम्हें जल्दी से उस बंदे को ढूंढना होगा। चार्ली स्टैंडिश उसका नाम है, कुछ इसी तरह का कुछ हैकर वैकर लगता है मुझे तो, कंपनी का ऑस्कॉर्प कंपनी का हैकर लगता है, इसलिए उसको वालों ने उसे पकड़ा है। और यहाँ पर भाई मैं जो है फुल गॉड मोड में चला गया हूँ। और अभी देखो मैं इन सभी को कैसे, देखो ये देखो कैसे अपने गैजेट के साथ सभी को मारता जा रहा हूँ। और यहाँ पर इसको भागता, देखो कहाँ भाग रहा है मुन्ना, ये ले यहीं पे नीचे लेटा रहे। ओके, मुझे जो है ना किसी, ओ भाई भाई एक मिनट बात तो करने दो मुझे, मुझे किसी भी तरह ऊपर पहुंचना है पेंट हाउस में और फिर उसको बचाना है, क्योंकि डीमंस जो है ना वो छत पर ले गए हैं उसे, और वहां पर आई थिंक किसी हैकिंग डिवाइस से सारा अपना डेटा रिमूव वगैरह करवाने के चक्रों में है। तो जल्दी करनी होगी, बिना देरी के मैं सभी को अभी जल्दी जल्दी पीटता हूँ। ओ भाई, यहाँ पे मैंने दो बंदों को इलेक्ट्रिक करंट मारा है और एक बंदा आई थिंक मर चुका है और एक यहाँ पे भाई थोड़ा सा डैमेज हुआ। ओ ये कौन आ गया, धारीदार। ओहो, कोई बात नहीं, तुम सभी को मारूंगा, ये देखो उठा उठा के फेंक फेंक के। ओ भाई, दोनों बंदे मर गए हैं एक दूसरे में लगने के बाद। ओ शेट, ये लो ना, आ जाओ गोलियां बरसाओ मुझ पे, तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। ओ शेट भाई, गोलियां बहुत पड़ रही हैं मुझे। और यहाँ पर आई थिंक मुझे यूज़ करनी चाहिए अपनी अल्टीमेट पावर। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं बट मैं इन्हें इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद अल्टीमेट पावर यूज़ करूँगा। ओके, अभी मुझे अल्टीमेट पावर यूज़ करनी है। ओ शेट, बहुत बढ़िया डूज दिया मैंने। ओ भाई एक मिनट रुक जा, मुझे अपनी अल्टीमेट पावर तो यूज़ करने दो भाई। ओ शेट, यहाँ पर भाई मैंने सही वक्त पर अल्टीमेट पावर यूज़ कर ली, वरना अभी मैं मर जाता भाई। लेकिन बंदे जो ज़्यादा है ना वो वेब से मरे नहीं हैं। ओ ये क्या डोज था, और देखो कैसे चिपक गया बढ़िया तरीके से। अभी मुझे ना उस बंदे का भी कुछ पता लगाना है, मतलब वो बंदा ऑस्कॉर्प के लिए क्यों काम कर रहा है। ऑस्कॉर्प की तो अपनी पूरी गैंग है जो भाई पूरे तरीके से ना हमें पीटने वाली थी लास्ट एपिसोड में। तो अभी मुझे ऊपर जाना है
ओहो भाई यहाँ पे उस बंदे को जो है ना रिमूव कर दिया गेम ग्लिच की वजह से। ओके तो यहाँ पे भाई और मोटे बंदे आ चुके हैं तो मुझे इन्हें भी कैसे करके मारना है जल्दी जल्दी, वरना चार्ल्स स्टैंडिस से वो सब कुछ उगलवा लेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया पीट रहे इनको, लिफ्ट के साथ साथ लगा के पीट रहे। ओ मोटे मोटे, एक तू मोटा कम है, ऊपर से तेरे पास डीमन पावर, सभी लोग मुझे मारने के चक्करों में भाई। मैं यहाँ पे वेब बॉम्ब यूज कर रहा हूँ, मोटा भाई दीवार में चिपक गया है वेब बॉम्ब से, क्या बात है। इसको यहीं पे दीवार पे मारो। ओ मेरे पास वेब शूटर नहीं है, ये लो चिपक जाओ, तुम भी आ जाओ भाई। ओ ये लो खिचकिया, ओ फिनिशर, क्या बात है भाई, सभी मर चुके हैं आई थिंक। और अभी मुझे बिना देरी के जाना चाहिए फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर आई थिंक उसका पेंट हाउस है और जहां पर उससे सब कुछ उगलवाया जा रहा है। तो मुझे लिफ्ट से जाना है और आई थिंक लिफ्ट खराब हो चुकी है। ओके तो हम जो है लिफ्ट को खोल कर ऊपर जाने वाले हैं, क्या बात है वैसे, बहुत बढ़िया। ये बंदा कहाँ से आ गया, कमाल है यार, लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हैं, लिफ्ट को खोल कर देख रहे हैं। और यहाँ पे ओ शिट शिट भाई, लिफ्ट जो है ना खराब हो चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ऊपर जा रही है। और यहाँ पर ये बंदे हर दूसरी लिफ्ट में खड़े हुए हैं मुझे देखने के लिए, क्या बात है। आ जाओ तुम सभी को बताता हूँ मैं, देखो कैसे चिपकाता जा रहा हूँ ना तुम्हें, तुम यहीं पे चिपके रहोगे और फिर जब लिफ्ट आएगी ना वो तुम्हें एकदम पिचका के रख देगी, बढ़िया वाली। चलो ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर इस रास्ते से क्या, ओके भाई बहुत बढ़िया, फिर से मुझे जाना है ऊपर। ओ ये तो नीचे देख रहा था भाई, क्या अंधा आदमी है, नीचे देख रहा है फिर भी मैं इसे नजर नहीं आया। ओके मुझे सभी को मारते हुए जाना है, वो भी जल्दी जल्दी, और डिटेक्ट नहीं होना यहाँ पे वरना ये लोग मुझे गोलियों से पड़ जाएंगे। क्या भाई दूसरी साइड से भी देख रहे हैं लोग मुझे, भाई दूसरी साइड से भी बंदे हैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे ध्यान से जाना चाहिए। ओके मेरा ब्लैक सूट है तो आई थिंक मैं इन्हें नज़र नहीं आ रहा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो क्या हो रहा होगा उस बंदे के साथ वैसे, टोचो वोचो तो नहीं करे होंगे ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे वो बंदा डर चुका होगा, जो भी होगा। ओ भाई मुझे देख लिया बंदों ने, ओ शेट शेट गोलियाँ पड़ी हैं मुझे, जल्दी से ऊपर निकलते हैं भाई, चलो 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 यहाँ से भागो। ओके यहाँ पे अपन आ चुका है और फिर से मैं आई थिंक लिफ्ट से जाना है। ओ भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये, ओ शिट ये क्या हो रहा है भाई, मुझे इतने खतरनाक भाई डीमन्स जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं मुझे मारने के लिए। शिट 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 भाई यहाँ पे जो है ना वो बॉम्ब ब्लास्ट करते जा रहे हैं ताकि मैं मर जाऊँ। ओके तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सेफ जगह पर और आई थिंक अभी मैं जाने वाला हूँ बिल्डिंग के अंदर, यानी कि पेंट हाउस के अंदर जहाँ पर वो चार्ल्स घूम रहे हैं। लेकिन यार मुझे बस ये नहीं मालूम कि क्या चार्ल्स वाकई ओस्कॉर्प के लिए कुछ खतरनाक बना रहा था। ओ देखो यहाँ पे चार्ल्स को पकड़ के बैठे हैं भाई, मार रहे हैं इसे तो भाई। ये सब डाटा जो है ना डेविल ब्रेथ का निकालने वाले हैं ताकि चार्ल्स को मार सकें इसके बाद। और यहाँ पर मैं जो है इन सभी लोगों को बढ़िया तरीके से मारने वाला हूँ। मेरे पास ये है, ओके मैं यहाँ पे इसको चिपका देता हूँ इस, हाँ इसके साथ बढ़िया रहेगा। ओके देखो इसे, तुम आगे जाओ बच्चे, तुम आगे देखो, हाँ ओ ये इसको अपने ऊपर चिपकाया और देखो वो भी चिपक गया होगा, अभी देखना। हाँ भाई वो भी चिपक गया, बढ़िया। ट्रैप माइन के साथ तो स्टेल्थ का अपना ही मजा है यार। चलो अभी आगे जाना है मुझे। ओ शिट इसको अपन मार सकते हैं, हाँ सेफ था इसे मारना, तो मैंने भाई सोचा ही नहीं और टपका दिया उस बंदे को। ओ भाई भाई यहाँ पे मैं डिटेक्ट हो गया, नहीं सेफ हूँ यार, मैं सेफ हूँ भाई, उस बंदे ने ज़्यादा शोर वोर नहीं मचाया इसलिए मैं सेफ हूँ। आई थिंक मेरी गलती है थोड़ी सी, मुझे थोड़ा ज़्यादा सेफ जाना चाहिए था। ओके इस बंदे को मारना सेफ है, बढ़िया। क्या कोई मोटा वोटा भी होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मोटे को हम ना ऊपर खींच नहीं सकते। क्या करूँ इस बंदे के साथ में, मेरे पास ट्रैप माइन नहीं है तो क्या इसे दीवार में चिपका दूँ, नहीं ओके मैं इसे ऊपर खींचने वाला हूँ। आजा मुन्ना इधर आजा, नहीं बल्कि चुम्मी देते हैं, चलो इसे चुम्मी देते हैं भाई। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, पहले मैं इसे खींचने वाला था, फिर मैंने सोचा नहीं इसे पीछे से चल के चुम्मी देते हैं। और यहाँ पे ये कौन है भाई, कौन घूम रहा है नीचे,
ओ भाई हमने वो गिरा के मार दिया उस बंदे को, बहुत ही नुकसान कर रहा हूँ वैसे मैं इस जगह का, बट क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तो चार्ल्स को बचाना है। चार्ल्स का वैसे इस वक्त जो कैबिन है वो खाली है, बट मुझे इन सभी को पहले मारना है ताकि चार्ल्स को कोई परेशानी ना हो सके हमसे बात करने में, और ये गुंडे हमें इंटरफेयर ना करें हमारी बात को बीच में। ओके यहाँ पे भाई मुझे लगता है मैंने सभी को मार दिया आई थिंक, लेकिन ये कौन है भाई जो अभी डिटेक्शन मीटर थोड़ा सा अपना घुमा रहा है। यहाँ पे मुझे तो लगता है सभी मर चुके हैं और चार्ल्स का कमरा भी अब सेफ है। नहीं भाई और बंदे आ गए, अब तो मोटा भी आ गया भाई। शिट ये बहुत बुरा हो रहा है भाई, मोटा भी आ चुका है, अब मोटी को कैसे मारेंगे। ओके मुझे जो है अभी सभी को मारना है, और सभी ये लोग एक साथ हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा तुम्हारा। यहाँ पे मैं नीचे लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने नीचे लगा दिया, और क्या ये काम करेगा मुझे नहीं लगता भाई। मैंने पीछे वाले बंदे को बिना उसको देखे ही निपटा दिया है, और मोटा भी मुझे देख रहा है, बट मैं जो है अपना ट्रैप माइन ज़ाया नहीं करना चाहता, तो पहले मैं अपना ट्रैप माइन, भाई मेरा ट्रैप माइन तो काम करेगा ही करेगा, बस मुझे यहाँ पे इसे ट्रैक करना है। इधर आ जाओ बच्चे, ए बच्चे, ए मेरे प्यारे बच्चे इधर आओ। अबे कहाँ देख रहा है तू, ऐसे ये डीमंस भी बिल्कुल फारिग हैं मेरे हिसाब से, इधर आओ। हाँ आओ 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 भाई, क्या मेरा ट्रैप इस बंदे पे काम करेगा, कोई आइडिया नहीं है यार, ये बंदा बहुत ही ढीला डीमन है, मतलब डीमन के नाम पे भी धब्बा है ये। वैसे डीमन होना चाहिए एकदम फुर्तीला, जहाँ से मैं वैम मारूँ मुझे देख ले, बट ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भाई इस लाइट को भी ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना, आगे जाओ। ओ भाई 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 भाई, इसे पता चलने वाला था कि मैं इसे देख रहा हूँ, बट मेरा ट्रैप माइन आई थिंक जाया ही जाएगा, तो बिना देरी के अब सभी को पीटते हैं। ओके मैं यहाँ पे लटक चुका हूँ, इस मोटे को कैसे मारूँ मैं, मोटा तो बहुत ही मुश्किल है मुझे लगता है मोटे को मारना। क्या क्या किसे मारूँ पहले मैं, ओ भाई यहाँ से मैंने लटक के ही उसे मार दिया है, और अब इस बंदे को मारना है यानी कि मोटे को, तो मेरे पास ट्रैप माइन है क्या, हाँ भाई ट्रैप माइन है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ट्रैप माइन, और देखते हैं भाई मोटे पे ये काम करता है या नहीं, क्या मोटा ट्रैप के साथ लग जाएगा। ओके मैंने मोटे को आई थिंक डिस्ट्रैक्ट किया, काफ़ी बढ़िया, अभी ये जाने वाला है, और क्या मोटा मरेगा वैसे, मुझे नहीं लगता भाई मोटा जो है इस ट्रैप को डिफीट करने वाला है। ओ देखो भाई मोटे को रस्सी खींच ही नहीं सकती, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं अपनी इम्पैक्ट वेब से तुझे इस दीवार में चिपका के रहूँगा, देखना अभी ये लो। ओ भाई मोटा एक से तो नहीं चिपका लेकिन दो से चिपक गया फाइनली, और आई थिंक अब चार्ल्स क्लियर है, तो जल्दी से अभी चल के चार्ल्स से बात करते हैं। हे चार्ल्स, अबे ये कौन आदमी है, ओ भाई धारी धार यार ये तो अलग ही लेवल है भाई इस डीमन का, ओ नीचे, अबे मैंने तो धारीदार को एक झटके में नीचे फेंक दिया, ओ ये बढ़िया था गुरु, बढ़िया डोज मारा वैसे इस बंदे ने, और मुझे भाई यहाँ पे डैमेज भी दे दिया काफ़ी अच्छा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी अल्टीमेट पावर, ये अभी तो मैं तुझे मारूंगा धारीदार, उसके बाद ही इन सभी को अल्टीमेट पावर दिखाने वाला हूँ। ओ ओ भाई बहुत मारे बहुत मारे, चलो 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 ये लो भाई, सभी के सभी मर चुके हैं देखो। ओ भाई यहाँ पे सभी जो है वेब डाउन हो चुके हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि अभी मामला क्लियर है, और कौन बच चुका है, क्या भाई चार्ल्स के पास भी कोई गुंडे हैं, मैं तो यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ, चार्ल्स का पेंट हाउस क्या क्लियर है। ओके फिर से चलते हैं भाई, ये बंदे अचानक से आ गए मुझ पे हमला करने, और चार्ल्स यहाँ पे सेफ है। What were they after? Just financial records. About Devil's Breath? How do you know about that? Why do they want it? I don't even know what it is. ओ भाई इसके पास Devil Breath का रिकॉर्ड था, तभी डीमंस इसके पीछे पड़ गए थे। The whole project is secret. I'm the only one who has any record of it. Not anymore. Looks like they copied some records to a secure server. Payroll information. On a Dr. Isaac Delaney. Who is he?
I honestly don't know. Oh shit, यहाँ पे इतना बड़ा हेलीकॉप्टर और उसके अंदर लगी है मशीन गन, भाई कैसे बचने वाले हैं यहाँ से हम, कि यहाँ पे हम भाग रहे हैं। और भाई ये बंदा लिफ्ट खोल रहा है, लेकिन लिफ्ट तो है नहीं। शिट भाई, क्या ये गिर जाएगा? ओह नो भाई, बहुत बड़ा धमाका हुआ भाई, हमने इसे बचाना है गिरने से। और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे की तरफ जाते हुए, क्या हम इसे बचा पाएंगे? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी होने वाला है। मुझे नहीं पता यार ये सब कैसे हो गया, क्या होगा, क्या हम उसे बचा पाएंगे? आई डोंट नो। ओ भाई 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 भाई, आई थिंक हम इसे बचाने वाले हैं। और ये हमने इसे पकड़ लिया और यहाँ पे आई थिंक हमने रोक लिया है। और हम इससे पूछ रहे हैं, क्या तुम ठीक हो? हाँ भाई, ये कहता है ठीक हूँ। You know, as elevator shafts go, this is pretty nice. Oh shit, हमारे साथ से गुजर रहा है भाई, बिल्कुल। Okay, तो आज की हमारी मेहनत रंग लाई। और क्या होने वाला है इस शहर के साथ? क्या Devil Breath सेफ है या फिर उस पर भी डीमंस हमला करने वाले हैं? ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली एपिसोड में।